ईमानदारी की पेशकश दिखाते हुए गुम हुए मोबाइल को घंटाघर कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में लुटाया मोबाइल। मंदसौर के रहने वाले अमीन खान का खिलचीपुरा जा रहे थे, इसी दौरान जेब से मोबाइल गिर गया वीवो कंपनी का, जिसके बाद ढूंढने का काफी प्रयास किया पर उन्हें मोबाइल नहीं मिला, जिसके बाद वहीं से गुजर रहे कमलेश जे नामक व्यक्ति को सड़क पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला और उन्होंने फेसबुक पर मोबाइल की फोटो के साथ एक पोस्ट अपलोड कर दी और लिखा कि जिस किसी का भी मोबाइल हो वह मुझसे संपर्क कर ले। कुछ देर बाद ही मोबाइल मालिक का फोन आ गया, जिसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर कमलेश जे नामक व्यक्ति ने आमिन खान को उनका गुमा हुआ मोबाइल लौटा दिया। पुलिस की मौजूदगी में कोतवाली थाने में पदस्थ SI विजय पुरोहित ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज भी ईमानदारी जिंदा है, इसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। गुमे हुए मोबाइल को जिस व्यक्ति का था उसे लुटाने का कार्य किया है, इसे लोगों को सीख लेना चाहिए। कमलेश जी ने कहा कि जिसका मोबाइल गुमा था उनको मेरे द्वारा लुटाने का कार्य पुलिस की मौजूदगी में किया है और हर व्यक्ति को ईमानदारी दिखाते हुए इस तरह कोई गुमी हुई चीज उन्हें मिले तो उसके मालिक तक उन्हें पहुंचानी चाहिए। आमिन खान ने भी कमलेश जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मीडिया मैं खिलचीपुरा विघ्नेता पासनादी के दर्शन करने जा रहा था, तभी पशुपतिनाथ से खिलचीपुरा जो टर्न आता है वहाँ पे मोबाइल मुझे उल्टा पड़ा हुआ मिला, तो ऐसा लग रहा था जैसे खाली कवर पड़ा हो, तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि यार क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए कि कहीं मोबाइल ना हो। तो मैंने उठा के देखा तो मोबाइल था, फिर मैं अपने जेब में रखा और मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली इसकी फ़ोटो खींच के कि जिस भी व्यक्ति का मोबाइल हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, नहीं तो सिटी कोतवाली में जमा करा दूंगा। इतने में दर्शन करने वहाँ विघ्नेता पासनाथ चला गया, इतने मेरे बालक के पास मोबाइल था, तो मेरे बालक के पास फ़ोन आया कि भैया मोबाइल हमारा है, तो हमने इनको सिटी कोतवाली बुलाया और पुलिस की उपस्थिति में इनको इनका मोबाइल सौंपा। ठीक है भैया, जिसकी चीज़ है उसी को दे दी जाए तो अच्छा है, भगवान को देना होगा तो कहीं से भी देगा, उसको देने के उसके पास हजारों हाथ है। कौन सी कंपनी का मोबाइल था, कितने का था? वीवो कंपनी का मोबाइल था, कीमत तो मुझे पता नहीं है लेकिन वीवो कंपनी का मोबाइल था, वो मैंने इनको आज वापस लौटाया। बड़ी खुशी हुई कि जिसकी चीज़ जिसके पास चली गई। ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में भी ईमानदारी जिंदा है, वो जैसे व्यस्त चौराहे पर मोबाइल मिला तो उन्होंने सीधे थाने पे आके सामने वाले को खबर करके बुलाया कमलेश जी जेल ने, मतलब बहुत बढ़िया ईमानदारी का परिचय दिया। इससे दूसरों को भी ये मतलब सीखना चाहिए कि मतलब ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बाइक पे जा रहा था मैं खिलचीपुरा रोड पे और जेब में से मोबाइल गिर गया मेरा और भैया को मिला मेरा मोबाइल और इन्होंने मुझे वापस लौटाया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, इन्होंने मेरा मोबाइल वापस लौटाया। क्या लगता है आज भी ईमानदारी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, 100% भैया को देखते हुए लगता है बिल्कुल ईमानदारी जिंदा है।